आगे क्लास को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिगामेंट्स होता क्या है। लिगामेंट्स हमारे बोन्स, आप ध्यान दिए होंगे आपके पास जब भी कोई टुकड़े दो होते हैं उसको आपस में जोड़ने के लिए या तो आप उसको बांधते हो या तो आप उसको चिपका देते हो, तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में भी जहाँ भी दो बोन्स आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ जो स्नायु होती है, जो कोशिकाएँ होती है, जोड़ने के लिए हम उसे ही लिगामेंट्स कहते हैं। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस लिगामेंट्स में। हमने कहा बोन्स टू बोन्स, यानी बोन्स को यानी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए जो मजबूत कोशिकाएँ होती है, स्नायु होती है, हम उसे क्या कहते हैं, लिगामेंट्स कहते हैं। अब हम आते हैं हिंज ज्वाइंट पे। हिंज ज्वाइंट क्या होता है प्यारे बच्चों? हिंज का मतलब होता है कब्जा। आप लोगों ने बक्से के कब्जे को देखा होगा, दरवाजे के कब्जे को देखा होगा, तो ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। सिर्फ हम उसे इस तरह से सामने कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं, और इसके बाद नहीं कर सकते। तो ये जो ज्वाइंट होता है ना हमारा, यही हिंज ज्वाइंट कहलाता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं हमने यहाँ लिखे हैं, एल्बो, नीज, फिंगर्स। फिंगर्स को भी हम इस तरह से मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, लेकिन वापस इसे नहीं कर सकते इस तरह से। तो है अब आता है पैरो ज्वाइंट्स। वो क्या होता है, कहता है दिस ज्वाइंट इज फॉर्म्ड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू वर्टेब्रा ऑफ द स्पाइन। मैंने अगले क्लास में बता रखा था कि वर्टेब्रा होता क्या है। 33 स्मॉल बोन्स में जो जिससे बनता है हमारा बैकबोन, जिससे तैयार होता है 33 स्मॉल बोन्स से, हम उसी स्मॉल बोन्स को ही वर्टेब्रा कहते हैं। तो यहाँ लिखा है दिस ज्वाइंट इज फाउंड, यह जो ज्वाइंट है वो पाया जाता है बिटवीन द स्कल, बिटवीन दो के लिए आता है, किसके किसके लिए आया है, यहाँ स्कल के लिए आया है और फर्स्ट टू वर्टेब्रा ऑफ द स्पाइन के लिए आया है, यानी दो के बीच। सबसे पहले तो हमारा स्कल है और दूसरा जो है फर्स्ट वर्टेब्रा ऑफ द स्पाइन्स, इस दोनों को क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। इट हेल्प अस टू मूव आवर हेड, यह जो है हमारे हेड को, हमारे सिर को क्या करता है, अलाउ करता है, किसके लिए अलाउ करता है, साइडवेज, बाएं दाएं देखने के लिए, ऊपर देखने के लिए, नीचे देखने के लिए। प्यारे बच्चों जहाँ भी आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आए आप उस वीडियो को फिर से वहां से प्रारंभ करके देखना, जरूर समझ में आएगा। आगे है एक ज्वाइंट्स है, वो एक ग्रिलिंग ज्वाइंट्स, ये हमारे रिस्ट और एंकल में होता है। अब हम आते हैं मसल्स की ओर। मसल्स क्या होता है, मांसपेशियां। एक फ्लेशी बंडल होता है ना, उसी को मसल्स कहते हैं। और ये जो मसल्स के हेल्प से ही हम हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, गा सकते हैं, और यह जो है इतने होते हैं 650। मसल्स के कुछ प्रकार भी हैं, उसके टाइप्स जैसे वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स, इस तीनों के बारे में जानेंगे। वॉलंटरी मसल्स क्या होता है, मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होता है हम उसे वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे आर्म्स, हम अपने हाथ को जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं, अपने हाथ को चाहे मोड़ सकते हैं, चाहे फैला सकते हैं, किसी चीज़ को उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जो मसल्स हमारे कंट्रोल में हो, प्यारे बच्चों क्या कहा मैंने, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में हो हम उसे क्या कहेंगे, वॉलंटरी मसल्स कहेंगे। और उसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे हाथ, पैर, आँख, जीभ। अब है इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स जो होता है प्यारे बच्चों, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँ कि आपने जो भोजन किया है उसे मत पचने देना, तो क्या अगर हम ऐसा अपने शरीर को इंस्ट्रक्शन दे कि मैंने जो भोजन किया है उस भोजन को तुम अभी मत पचाना, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, वो अपना काम स्वयं करता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम अपने पैर को आदेश दें कि तुम पैर को आगे मत बढ़ाओ, अगला कदम मत बढ़ाओ, तो वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह है, जो ब्लड का प्रवाह है, वो रुक जाए, तब वो नहीं रुकेगा।
तो जो हमारे कंट्रोल में है, आप ध्यान से समझना, जो हमारे कंट्रोल में है हम उसे वॉलेंट्री मसल्स कहेंगे, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसे इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। आपको समझ में आया होगा कि हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। जैसे अगर हम जो भोजन करते हैं, अगर हम उसको कहें कि तुम अभी भोजन को मत पचाना, अपने शरीर को हम इंस्ट्रक्ट करें कि अभी जो मैंने भोजन किया है उस भोजन को मत पचाना, तो ऐसा संभव नहीं है। हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हम अगर उसे कहें कि तुम रुक जाओ, तो संभव नहीं है। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब ये कार्डियक मसल्स किसे कहते हैं? दिस मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। यह जो कार्डियक मसल्स है यह सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में होता है, काम हमारे हार्ट में होता है। दिस आर इनवॉलेंट्री नेचर। ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैंने इसे इसलिए यहाँ लिख दिया है, इसमें कुछ पॉइंट जो है आपको रिमेम्बर करने बहुत जरूरी होते हैं और समझने के दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है। इसका जो नेचर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है, इसका जो स्वभाव होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में आपको समझ में आया होगा, स्वैच्छिक और अस्वैच्छिक। जिस जो हमारे नियंत्रण में हो वो वॉलेंट्री है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं हो वो इनवॉलेंट्री है। और कार्डियक मसल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में मौजूद है, लेकिन इसमें क्या है, इसका जो नेचर है प्यारे बच्चों, इसकी जो प्रकृति है वो इनवॉलेंट्री है। कैसे? वो इनवॉलेंट्री है, बट लेकिन आर स्ट्रक्चर लाइक वॉलेंट्री मसल्स। लेकिन इसकी जो बनावट है, इसकी जो संरचना है, इसकी जो स्वरूप है वो किसके जैसी है? वॉलेंट्री मसल्स की जैसी है। किसके जैसी? वॉलेंट्री मसल्स की जैसी। यह जो है हमारे शरीर में होता है, उपस्थित होता है, यह जो वर्क है, वर्क जो करता है पूरे लाइफ, यानी हमारे पूरे जीवन में यह जो वर्क करता है विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड, बिना रुके बिना थके यह कार्य करता है हमारे पूरे जीवन में। अगर यह रुक गया तो इंसान गया। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को खत्म करते हैं यहीं पे। इसकी पीडीएफ आपको जल्द ही मिलेगी। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आगे हो चुके हैं क्लास, जितने भी पीडीएफ आपको मिल चुके हैं, जो होमवर्क मिल चुके हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए। और मैं आपके सामने वीडियो कॉल के जरिए सामने आऊँगा और आपसे रूबरू आपके माता पिता के सामने ही इन सारे चीज़ों को मैं पूछ लूँगा, जितने डिफिनेशन हुए, जितने मैंने जो कुछ बता रखे हैं। इसलिए आपको सारे वीडियो को गौर से देखना है, आराम से देखना है, उसको लर्न करना है, उसको राइट करना है, उसको हमारे व्हाट्सएप पर भी भेजना है। इस तरह से यह क्लास को पूरे तरह से सफल बनाना है, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए। और यह जो क्लास हो रहा है इसको कंप्लीट करना भी आप ही के हाथ में है।